संदीप सर, जी इसमें मैं जब इंट्रोड्यूस करूंगा जी तो सबसे पहले तो सेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, बाद में फिर पीपीटीज वगैरह आप वहां से लाइव 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 ठीक है। सर स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर सेशन। ऑल्सो आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 247 मराठी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे अड्डा 247 मराठी या यूट्यूब चॅनल वर। तसंच मी शरद गायके आणि माझ्यासोबत आहेत संदीप सर, आम्ही दोघेही तुमचं स्वागत करत आहोत अड्डा 247 मराठी या युट्यूब चॅनल वर आणि आपल्या आजच्या या सेशन मध्ये। बघा, आजचं हे सेशन कंडक्ट करण्याचं जे पर्पज आहे ते तुम्हाला सांगण्यासाठी, जसं की आपलं थंबनेल तुम्ही ऑलरेडी बघितलंच असेल, FSSAI रिक्रुटमेंट 2021 फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या ऑर्गनायझेशनच्या काही जागा, काही वेकन्सीज डिक्लेअर करण्यात आल्या आहेत। टोटल 233 वेकन्सीज साठी ही एक्झाम होत आहे। एक्झामचं नोटिफिकेशन तसं पाहिलं तर काही दिवसांपूर्वीच आलेलं होतं, परंतु डिटेल्ड ऍड तिथे दिलेली असून सुद्धा त्याचे सिलेबसचा पॉइंट होता तो ओपन होत नव्हता, त्यामुळे आता ते सिलेबस समोर दिसतोय। तर आता आम्ही ते सेशन तुमच्यासाठी कंडक्ट करत आहोत। तर सेशन उशीर का झाला सेशनसाठी ते मी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलंय। गाईज, दिस सेशन इज गोइंग टू बी इन 3 लँग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी अँड मराठी। जसं की संदीप सर जे आहेत, संदीप सर जो है हमारे, वो आपको हिंदी में कुछ चीजें जो है ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मी मराठी मधून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देणार आहे आणि इंग्लिश मध्ये तुमचा सर्व डेटा तुम्हाला समोर दिसेलच। तर अशा पद्धतीने ह्या तीन भाषांचं मिक्सर करून आम्ही हे सेशन घेऊन आलेलो आहोत। सर्वप्रथम आपल्या अड्डा 247 मराठी या चॅनल वरती आपण सर्वजण मिळून संदीप सरांचं स्वागत करूया। संदीप सर का स्वागत करते है अड्डा 247 मराठी इस यूट्यूब चॅनल पर। थँक्यू सर, संदीप सर, येस, इट्स आवर प्लेजर टू हॅव यू ऑन आवर चॅनल अँड हॅव दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू संदीप सर। Yes, sir. अब मैं संदीप सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे थोड़ा सा डिटेल में अपना इंट्रोडक्शन करके, ब्रीफ करके, आपसे जो वो बातें करना चाहते हैं वो करना शुरू करें। संदीप सर प्लीज। हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम टू अड्डा 247 मराठी। ठीक है, माय नेम इज संदीप। सो मेरा नाम संदीप है और मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उससे डील करता हूँ। ओके, सो आज आप लोगों के लिए जो सेशन है वो है FSSAI रिक्रूटमेंट 2021। ओके, सो द सेशन इज अबाउट द FSSAI रिक्रूटमेंट विच वॉज रिलीज ऑन 30th September। 30 September को रिलीज किया गया था ये नोटिफिकेशन। ओके, सो 30 September को अगर रिलीज किया गया था तो आज क्यों लेके आ रहे हैं? आज लेके इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं है रिक्रूटमेंट के बारे में। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक इस रिक्रूटमेंट के बारे में अच्छे से पता नहीं है, जबकि ये बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, बेहतरीन जॉब है। द जॉब इज एब्सोल्युटली फैब। ओके, सो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो और ऑलरेडी सर बता चुके हैं कि 233, देयर आर 233 वैकेंसीज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है और किस चीज के लिए आप कर सकते हो अप्लाई। ओके, सो द फर्स्ट वन हियर इज नोटिफिकेशन रिलीज डेट। सो दैट वाज ऑन 30 September 2021। 30 September 2021 में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 13th of October। ठीक है, 13 अक्टूबर को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और ये कब तक चलेगा? 12 नवंबर तक, टिल 12th of November। ओके, डेट ऑफ एग्जाम टू बी नोटिफाइड, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओमेन एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी के लिए 500। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि जब आप, हम लोग यहां पे देख रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट्स।
ओके आपके पास एक से ज्यादा ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि सेम ईमेल आईडी और फोन नंबर से यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं भरा जा रहा है. ओके सो यू शुड हैव डिफरेंट ईमेल आईडी एंड डिफरेंट फोन नंबर. ओके आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है. सर आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे बताइए जरा स्टूडेंट्स को कि क्या है यहाँ पे. जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो ये एग्जाम टोटल 10 पोस्ट के लिए ही जी एग्जाम आए थी. टोटल 10 पोस्ट साठी 10 पदांसाठी होता है. त्यापैकी ज्या जसं की ज्या पोस्ट ह्या जास्त आहे, ज्या पोस्ट साठी जास्त वेकन्सीज आहेत त्याबद्दल मी जास्त कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे. जसं की तुम्ही बघितलं असाल असिस्टंट पोस्ट आहे, इकडे तुम्हाला चार्ट मध्ये दिसतंय नेम ऑफ द पोस्ट वेकन्सीज अँड एलिजिबिलिटी जे संदीप सर मार्क करत आहेत. तर असिस्टंट या पोस्ट साठी टोटल 33 वेकन्सीज आहेत. त्यासाठी एलिजिबिलिटी आहे एनी बॅचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रेकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी ऑर इन्स्टिट्यूशन. कुठल्याही ग्रॅज्युएट्सना या एक्झामसाठी या पोस्टसाठी अप्लाय करता येणार आहे. जसं की संदीप सरांनी तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही मल्टिपल पोस्टसाठी अप्लाय करू शकता. पण त्यामध्ये आणखी एक महत्वाचा पॉईंट मी तुम्हाला सांगतो जो की लक्षात ठेवा की जरी तुम्ही एकाच वेळी मल्टिपल पोस्टसाठी एलिजिबल असाल आणि जर तुम्ही मल्टिपल पोस्टसाठी फॉर्म भरत असाल तर फॉर्म भरत असतानाच तुम्हाला कुठल्या पोस्टची म्हणजे तुम्ही जर जास्त पोस्टसाठी फॉर्म भरला असेल तर त्यासाठी जेवढे काही प्रायोरिटी काय आहे तुमची, कुठली पोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आहे, कुठली सेकंड प्रायोरिटी आहे, कुठली थर्ड प्रायोरिटी, हे तुम्ही व्यवस्थितपणे तिथं भरलं पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला नंतर जे चेंजेस करता येणार नाही आहेत म्हणून तुम्हाला जास्त प्रायोरिटी कुठल्या पोस्टला आहे त्याला अगोदर लिहा, त्यानंतर कमी कमी प्रायोरिटीज वाल्या पोस्ट तुम्ही लिहू शकता. तर असिस्टंट जे पद आहे त्यासाठी 33 वेकन्सीज. देन देअर कम्स CFSO सेंट्रल फूड ऑफिस, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, त्याच्या 37 पोस्ट आहेत. बघा जे असिस्टंटची पोस्ट आहे 33, त्यानंतर जी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर आहे 37, ह्या त्या पोस्ट आहेत ज्याला फ्रेशर्स एलिजिबल आहेत. त्यासाठी एक्सपिरियन्सची आवश्यकता नाहीये. ऑल द फ्रेशर्स कॅन अप्लाय फॉर दिस पोस्ट. तर त्यामध्ये एलिजिबिलिटी मध्ये बघा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर साठी डिग्री कुठल्या कुठल्या स्ट्रीम मध्ये तुमची असली पाहिजे. एक तर फूड टेक्नॉलॉजी, डेअरी टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, ऑइल टेक्नॉलॉजी, अग्रिकल्चरल सायन्स, वेटरनरी सायन्स, बायोकेमिस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन. किंवा तुम्ही मास्टर्स डिग्री करू शकता इन केमिस्ट्री. जर तुमच्याकडे मास्टर्स डिग्री असेल तर तीही चालेल. हे ऑर मध्ये दिलेलं आहे, एक तर डिग्री पाहिजे या 9 स्ट्रीम्स पैकी कुठली तरी किंवा मास्टर्स डिग्री पाहिजे केमिस्ट्री मध्ये. बघा अग्रिकल्चर मध्ये BSc अग्रिकल्चरचे विद्यार्थी सुद्धा या पोस्टला फॉर्म भरू शकता. आपल्याकडे जसं की महाराष्ट्रामध्ये जास्त विद्यार्थी हे BSc अग्रिकल्चर बॅकग्राऊंडचे असतात, त्यामुळे मी हायलाईट करून सांगतो, सरांनी तिकडे हायलाईट सुद्धा केलं आहे. तर अग्रिकल्चर BSc अग्रिकल्चर जर तुम्ही केलं असेल तर या पोस्टसाठी नक्कीच एलिजिबल आहात आणि तुम्ही त्यासाठी फॉर्म भरला पाहिजे. संदीप सर. येस सर. सर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं देयर इज अ कमेंट हियर बाय शुभम सिंधे, अपीयरिंग डिग्री कैन एलिजिबल. देखिए अगर आपके पास आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, आइदर इट इज अ डिग्री सर्टिफिकेट और इट इज अ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हो. लेकिन अगर आप अपीयरिंग हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो. कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है अपीयरिंग एलिजिबल है या नहीं. रही बात एज की, एज पे जो मैक्सिमम एज है दैट शुड बी 30. मिनिमम कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. सो बाय डिफॉल्ट वी कैन से दैट 18 से लेके 30. ओके 18 टू 30 इज द एज लिमिट हियर. ओके और सिमिलरली जो है अपने ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन प्लस 3 इयर्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए प्लस 5 इयर्स, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए प्लस 10 इयर्स. Right. ये जो हेजे एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है तो सुद्धा तिकडे लागू होतो. यस. नेक्स्ट वन अगेन सर, ये भी यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर ही है. 125 एंड 125 पोस्ट है. ओके सबसे बड़ा वैकेंसी है सर यहाँ पे, ये 125 वैकेंसी के साथ टेक्निकल ऑफिसर. ओके एंड अगर सर यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, सो हियर इट इज नो मोर
बैचलर्स डिग्री गाइस, ठीक है, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आ गया मास्टर्स डिग्री। ओके, हम लोगों के, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मास्टर्स डिग्री की जरूरत है। और यहाँ पर भी बहुत सारे देख पा रहे होंगे आप लोग कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो एलिजिबिलिटी के लिए दे रखे हैं, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो कि एक जनरल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक जनरल सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री एक जनरल सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग मास्टर्स किए होंगे, देन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस आल्सो। ओके, नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चरल साइंसेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो, दीज आर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ओके, यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री इन दीज सब्जेक्ट्स। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन पॉज द वीडियो आफ्टर इट इज अपलोडेड, ओके, एंड यू कैन चेक योर एलिजिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, बीई और बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री है, किसमें, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, अगेन जनरल वन, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, एंड लास्ट वन, बैचलर्स डिग्री। ओके, बैचलर्स डिग्री इन मेडिसिन, वेटरनरी साइंस, फिशरीज और एनिमल साइंस। सो फिशरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, यहाँ पर फिशरीज भी इंक्लूडेड हुए हैं। जैसे सर हमें पता है कि महाराष्ट्र में सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग फिशरी में भी बीएससी बैचलर्स डिग्री करते हैं, बिकॉज वी हैव सम ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इन महाराष्ट्र। सर उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्यों? बिल्कुल। नेक्स्ट आप बता दीजिए सर, नेक्स्ट यहाँ पे जो, जी जी जी, पर्सनल असिस्टेंट की 19 वैकेंसीज है, 19 वैकेंसीज आहेत पर्सनल असिस्टेंट या पदासाठी, त्यासाठी एलिजिबिलिटी आहे कुठलीही बॅचलर्स डिग्री फ्रॉम रेकग्नाइज्ड युनिव्हर्सिटी, ठीक आहे, आणि तुमच्याकडे यू मस्ट हॅव प्रोफिशियन्सी इन शॉर्ट हँड विथ 80 वर्ड्स पर मिनिट and typing 40 words per minute in English and 35 words per minute in Hindi, 40 ani 35 words per minute English ani Hindi respectively, tikde tumhala kutlahi certificate zaruri nahi hai, ani tikde tumchi ji test ahe hi 40 words ani 35 words per minute chi English ani Hindi chi ti tithas ghetli janar hai, tyamule certificate chi avashyakta suddha nahi hai. Tyanantar junior assistant grade 1 teen posts ahet, एलिजिबिलिटी आहे फक्त स्टँडर्ड 12th और इक्विवेलेंट एक्झामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और युनिव्हर्सिटी. सी, जी सर्वात पहिली, जो सबसे पहिली पोस्ट मैंने आपको बताई थी असिस्टेंट की, और ये जो जूनियर असिस्टेंट है, दीज टू पोस्ट कम इन टू नॉन टेक्निकल क्राइटेरिया. तो नॉन टेक्निकल पोस्ट आहेत या दोन, बाकी सर्व टेक्निकल पोस्ट मध्ये गिनल्या जातात. त्यानंतर असिस्टंट मॅनेजर आयटी, त्याच्या 4 वेकन्सीज आहेत, त्यासाठी एलिजिबिलिटी आहे बीटेक और एमटेक, बीटेक और एमटेक इन कम्प्युटर सायन्स और एनी रेलेवंट इंजिनिअरिंग डिसिप्लिन और एमसीए और बॅचलर्स डिग्री इन रेलेवंट फील्ड, एवढी त्याची एलिजिबिलिटी आहे. येस, नेक्स्ट सर, असिस्टंट मॅनेजर. So assistant manager we only have 4 posts here, okay, but the specification is also here, ठीक है, तो आपको ना specialization होना पड़ेगा journalism और mass communication और public relation और social work, psychology, labor and social welfare और library sciences with experience, ठीक है. So अगर आपके पास library का experience, library से आपने bachelor's degree कर रखा है library science, then you need 2 years of experience. Sir यहाँ पर एक comment है, श्रुतिका चवन, राइट सर, इसकी क्लास होने वाली है, इसकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, 7 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. क्लासेस कहां पे हो रहे हैं? क्लासेस हो रहे हैं एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. ओके, सो क्लासेस ऑलरेडी सर यहाँ पे जो है स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, क्लासेस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, 7 days हो गए हैं ऑलरेडी, और जो बैच होने वाली है उसकी डिटेल्स भी आपको दी जाएगी बिल्कुल इसी स्क्रीन से, yes, कि कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट सर एक और कमेंट है, आप एक बार बता दीजिए जी, मेडिसिन, मराठी में मेडिसिन मीन्स फार्मेसी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं.
आय डोंट थिंक सो सर की फार्मसी फार्मेसी के लिए इसमें नहीं है पोस्ट. राइट, मेडिसिन मीन्स एमबीबीएस. यस, दिस इज अबाउट फूड सेफ्टी. ओके, नेक्स्ट. सो आईटी असिस्टेंट हियर 3 वैकेंसीज एंड यहाँ पर अगेन वी हैव बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 1 ईयर पीजी डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. ओके, एंड बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर. कंप्यूटर एप्लीकेशन में जिन लोगों के पास बैचलर्स डिग्री है उन लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है आईटी असिस्टेंट इन एडिशन टू असिस्टेंट मैनेजर आईटी. नेक्स्ट वन इज फूड एनालिस्ट. 4 वैकेंसी है और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड इन फॉर दिस. ओके, वी हैव मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी, ऑयल, वेटरनरी साइंसेस. ओके, तो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कमेंट में मिल जाएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक कमेंट में मिल जाएगा. ओके, सो यू कैन जस्ट ओपन एंड चेक एवरीथिंग. नेक्स्ट, so last one is Hindi translator here. Okay, so you should have a master's degree in Hindi or English as one is the compulsory subject and another one is the elective subject. Okay, आगे बढ़ते हैं सर, प्लीज इसके बारे में बताइए. सैलरी जी बिल्कुल. जस्ट अ सेकंड. हाँ, आता बघा सैलरी आणि त्याचं पे लेवल काय आहे. जसं की याबद्दल मी थोडेसे जास्त इन्फॉर्मेशन देईन. इस चीज के बारे में आई लाइक टू ऍड समथिंग की आपको पता होगा देर इज IDA एंड CDA, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस एंड CDA इज सेंट्रल डियरनेस अलाउंस. तो ये जो जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है CPSE, ये सारी आती है IDA में, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस में. लेकिन FSSAI ये आता है CDA में, जिसमें हम सेंट्रल डियरनेस अलाउंस कहते हैं. और सेंट्रल डियरनेस अलाउंस के तहत ये जो पे लेवल है सिक्स, जैसे कि इसमें दिया हुआ है बेसिक पे. बघा असिस्टेंट पदासाठी पे लेवल 6 आहे, बेसिक पे आहे 35,400 to 1,12,400. सर एक्सक्यूज मी सर, एक बार यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा एक बार. इसका सर मेरे ऑलरेडी मैं जो है लास्ट मंथ का पे स्लिप देख चुका हूँ एंड द इन हैंड इज 55,000 इन हैंड ऑफ असिस्टेंट. जी अब आप कंटिन्यू कीजिए सर. जी जी सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन संदीप सर आपने दी है. तो देखिए जैसे कि बेसिक पे इसमें दिया हुआ है 35,400, लेकिन कहीं ना कहीं वो इट लास्ट टू टिल 1,12,400. तो 55,000 इज अ बिग अमाउंट एज अ बेसिक पे. देन सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसकी सेवेंथ पे लेवल है, जिसमें बेसिक पे शुरू होता है 44,900 से और मैक्सिमम हो सकता है 1,42,400 तक. यस, टेक्निकल ऑफिसर या पदासाठी सुद्धा 7 पोस्ट आहेत, ज्याचा सॉरी 7 पे लेवल आहे, ज्यामध्ये सुद्धा सिमिलर 44,900 रुपये पासून 1,42,400 रुपयांपर्यंत त्याचा बेसिक पे आहे. पर्सनल असिस्टंट साठी 6 पे लेवल, त्यामध्ये 35,400 ते 1,12,400 पर्यंत. ज्युनियर असिस्टंट ग्रेड 1, ज्याच्यासाठी 4th पे लेवल आहे, ज्याच्यासाठी एलिजिबिलिटी ही फक्त 12वी पास असते, त्यासाठी 25,500 रुपये ते 81,100 रुपये एवढं बेसिक पे आहे. असिस्टंट मॅनेजर 7th लेवल सिमिलर आहे, 1,42,400. देन देयर कम्स आयटी असिस्टंट, असिस्टंट इन आयटी, त्यासाठी 6th पे लेवल आहे, ज्यामध्ये 35,400 ते 1,12,400. आणि फूड अनालिस्ट आहे 10th पे कमिशन और 10th पे लेवल, 56,100 रुपये पासून 1,77,500 रुपयापर्यंत त्याचं बेसिक पे आहे. मित्रांनो हे सगळं बेसिक पे आहे जे मी सांगतोय. त्यानंतर आहे हिंदी ट्रान्सलेटर 6th पे लेवल, 35,400 ते 1,12,400. असिस्टंट मॅनेजर आयटी
सेवन्थ पे लेवल ज्यामध्ये 44,900 44,900 ते 142,400 एवढ्या मोठ्या अमाऊंटचं तुम्हाला बेसिक पे या पोस्ट मधून तुम्हाला मिळणार आहे मित्रांनो. तर ह्या पोस्ट ही वेकन्सी खूप महत्वाची आहे, ही नोटिफिकेशन खूप महत्वाची आहे. जेवढे फ्रेशर्स आहेत, ज्या महत्वाच्या पोस्ट आहेत, जसं की मी आणखी एकदा हायलाइट करू शकतो की इकडे बघा पोस्ट दिलेले आहेत तुम्हाला ऑलरेडी की टेक्निकल ऑफिसर जी 3 नंबरची पोस्ट आहे, जिथं सरांनी लिहिलंय 125 एवढ्या पोस्ट एवढ्या वेकन्सीज आहेत, त्यासाठी सेवन्थ पे लेवल आहे 44,900 ते 142,400. त्यानंतर आणखी महत्वाचं आहे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, ज्यासाठी टोटल 37 पोस्ट आहेत, फ्रेशर्स कॅन अप्लाय, त्याला सुद्धा सिमिलर पे लेवल आहे. त्यानंतर असिस्टंट, त्याच्या 33 जागा आहे, फ्रेशर्स कॅन अप्लाय, येस येस. त्यानंतर आहे पर्सनल असिस्टंट, पर्सनल असिस्टंट साठी सुद्धा आगे हा सिक्स पे लेवल आहे 35,400 ते 112,400 पर्यंत. आणि जे ज्युनियर असिस्टंट ग्रेड वन आहे, त्याच्या वेकन्सीज भले 3 असतील, कमी आहेत, 3च आहेत, परंतु त्याची एलिजिबिलिटी आहे फक्त 12वी पास, आणि त्यासाठी तुम्हाला फोर्थ पे लेवल वरती 25,500 ते 81,100 रुपये एवढं बेसिक पे तुम्हाला मिळणार आहे. ह्या ज्या पोस्ट मी आता एनलिस्ट केल्या आहेत ओरली, त्या सर्व पोस्ट तुमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत, वेकन्सी जास्त आहेत, त्यामुळे त्यावरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करा आणि प्रयत्न करा की जास्तीत जास्त पोस्ट ना तुम्ही अप्लाय करू शकाल. येस सर, प्रोसीड. ओके सर, द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन प्रोसेस. ओके सो फॉर फूड अनालिस्ट वी हैव रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू. ओके बट ऑल द अदर जॉब्स, ओके ऑल द अदर पोस्ट हियर, जितने भी पोस्ट है कहीं पर भी इंटरव्यू नहीं है. ओके सो आई थिंक बहुत लोग सर यहाँ पे खुश हो गए होंगे कि इंटरव्यू तो नहीं है, सिर्फ एग्जाम है, तो एग्जाम निकालेंगे और जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू का टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, राइट सर? जी बिल्कुल. सो यहाँ पर जो असिस्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनी ग्रेजुएट, ओके यहाँ पे ओनली वन एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम है, वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट्स इट. ठीक है, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, नो सेकेंड फेज, नो मेंस एग्जाम, नो इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है यहाँ पे. सिमिलरली हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, सबका एग्जाम लेवल एक ही है यहाँ पे. ओके एक ही एग्जाम होने वाला है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5 कोई एग्जाम नहीं है, एंड नो इंटरव्यू ऑल्सो. जस्ट अ सेकेंड सर, जस्ट अ सेकेंड, जो ऑपरेटर है, कैन यू हियर मी? जो ऑपरेटर, हाँ सर एक काम कर दीजिए, सर की जो ये है ना बॉक्स विंडो, उसे पिन कर दीजिए इस पे, है ना, ताकि जब मैं बताऊंगा तब भी उनकी ही जो स्लाइड और पीपीटी है वो दिखे बच्चों को, है ना. चलिए सर प्लीज. या सो नेक्स्ट जो है यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट, यहाँ पे 2 एग्जाम्स है, CBT-1 and CBT-2. Okay, 2 total exams hai aapke paas, maan lijiye, you can say that ek pre hai, one is pre and another one is mains. Okay, and contribution kitna hoga? 50%, 50%. Clear guys? Yeah, so selection process, I think sabko clear ho gaya hoga. Okay, sir, if you may repeat once again in Marathi. Bilkul sir, bilkul. Baga, selection process madhe, food analyst, technical officer, central food safety officer, assistant manager, IT, आणि असिस्टंट मॅनेजर, या पोस्ट साठी 2 स्टेजेस आहेत, CBT-1 CBT-2. या पूर्वी CBT-1 असायचं फक्त, इकडे CBT-1 आणि CBT-2 दोन्ही झालेलं आहे सुरू. त्यामध्ये तुम्हाला सर एक सेकंड, वो जो साइड आहे ना आपकी साइड, वो देखणे. हां जी प्लीज, थँक्यू. तो बघा त्याच्यामध्ये दिलं आहे, वेटेज सुद्धा दिलेला आहे, रिटर्न टेस्टचं वेटेज आहे 85% आणि इंटरव्ह्यूचं वेटेज आहे 15% दिलेलं आहे. CBT-1 Stage-1 50% आणि CBT Stage-2 याचं 50% असणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इथं रेशो येतो, म्हणजे या सर्व पोस्ट ज्या मी वरती सांगितल्या आहेत त्यामध्ये रेशो आहे 1:20, 1:20 हा रेशो खूप चांगला आहे. म्हणजे तुम्हाला CBT-1 मधून CBT-2 मध्ये जाण्यासाठी वरच्या ज्या पोस्ट आहेत तिथे रेशो आहे 1:20, आणि ज्या हिंदी ट्रान्सलेटर, असिस्टंट, पर्सनल असिस्टंट, आयटी असिस्टंट, ज्युनियर असिस्टंट ग्रेड 1 याच्यासाठी रेशो असणार आहे 1:5, 1:5.
असा रेशो असणार आहे. तर हा जो रेशो आहे तुमच्यासाठी थोडासा चांगला आहे. म्हणजे जर आपण बघितलं बँक बँकिंगच्या एक्झाम्स ज्या होतात जनरली त्याच्यामध्ये 1:10 1:20 असा रेशो असतो, सॉरी 1:20 असा रेशो असतो. त्यानंतर SSCचा माझ्या मते 1:10 रेशो असतो. तर इकडं 1:20 रेशो दिलेला आहे, तर जे की तुमच्यासाठी चांगलं आहे. त्यानंतर 1:5 रेशो बघा या बाकी पोस्टच्या सिलेक्शन साठी. तर अशा पद्धतीने तुमची सीबीटी टेस्ट 1 सीबीटी स्टेज 2 या दोन स्टेजेस काही पोस्ट साठी आहेत आणि बाकीच्या पोस्ट साठी फक्त एकच टेस्ट आहे. कुठलाही इंटरव्ह्यू नाही, डिरेक्टली तुमचं फायनल सिलेक्शन. सर येस सर नेक्स्ट. सो एक्झाम फॉर्मॅट की बात कर लेते हैं सर. कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 180 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन with 120 MCQ. Yes. Okay. Last time ka jo exam pattern tha, it was 100 MCQ and 120 minutes. Ye change ho gaya hai and it is 120 MCQ and 180 minute duration. 4 marks for correct answer and -1 for wrong answer. Next. So, yahan par sir thoda dekh lete hain syllabus ke bare mein. Ji, bilkul. सो यहाँ पर जैसे ही देख पा रहे हैं सर, असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए सेम सिलेबस है. ओके सर, ये वाला आप बता दीजिए, नेक्स्ट वाला सर मैं बता दूंगा. बिल्कुल सर. बघा मित्रांनो, असिस्टंट आणि ज्युनियर असिस्टंट ग्रेड 1 साठी सिलेबस हा सेम आहे. यामध्ये जनरल इंटेलिजन्स म्हणजेच लॉजिकल रिझनिंग समजून घ्या, त्यासाठी 20 प्रश्न. क्वांटिटेटिव्ह एप्टिट्यूड म्हणजे फक्त 7वीच्या वर्गाच्या लेवलचं मॅथ्स, त्यामध्ये जिओमेट्री ट्रिग्नॉमेट्री किंवा कॅल्क्युलस या गोष्टी नाही आहेत. 20 क्वेश्चन्स. त्यानंतर इंग्लिश लँग्वेज साठी 10 प्रश्न, जनरल अवेअरनेस साठी 20 प्रश्न आणि कम्प्युटर लिटरसी साठी 25 प्रश्न. त्याचप्रमाणे FSSAI या ऑर्गनायझेशनचे रोल्स फंक्शन्स इनिशिएटिव्ह यांच्याबद्दल जी जनरल अंडरस्टँडिंग असते त्यावर आधारित तुम्हाला 25 प्रश्न विचारले जाणार आहेत. अशा पद्धतीने हा एक्झाम पॅटर्न असणार आहे या दोन पोस्ट साठी. सो यहाँ पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो FSSAI ये वाला सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ मैं, राइट. सो आई विल बी डीलिंग दिस सब्जेक्ट. ओके एंड बाकी इसके लिए आपके दूसरे फैकल्टीज भी हैं. नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको अबाउट सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर. अगेन सेम सिलेबस फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स. ओके सो जनरल एप्टीट्यूड 10 questions, general awareness 10 questions, English language 10 questions and computer literacy also 10 questions. So total yahan pe kitne ho gaye 40 questions. Aur yahan pe ji sir in posts ke liye pehle aptitude nahi hua karta tha, abhi unhone aptitude bhi add kar diya, which is a good thing at your part. Bachcho ke liye kyunki bachche zyada tar jo exams ke liye prepare karte hain उन सारी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड होता ही है, होता है तो आपका वो प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रहा है अगर आप किसी भी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो. बस इसमें अगर आप इस एग्जाम के लिए जो बैच स्टार्ट हो चुकी है उसके लिए आपको बाकी सारे जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो सिलेबस आपको अच्छे से कवर कर पाएंगे. और दूसरी बात यह है कि जनरल एप्टीट्यूड की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है इस एग्जाम के हिसाब से वो भी आपको अच्छे से समझने को और सीखने को मिल सकती है. राइट. सो फंक्शनल नॉलेज टेस्ट यहाँ पे FSSAI एंड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज टेस्ट यहाँ पे रहेगा फूड साइंस. सो 40 क्वेश्चंस ईच. ओके 80 क्वेश्चंस और टोटल हो गया यहाँ पे 80 + 40 = 120 क्वेश्चंस. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फंक्शनल नॉलेज एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर नॉलेज. सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या है? फूड साइंस. और फंक्शनल नॉलेज क्या है? FSSAI. ओके एंड इंटरनेशनल फूड लॉस. बिल्कुल, ये जो FSSAI पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है. बेसिकली जो 2006 में आई गेस यस जो एक्ट पास हुआ था उसके तहत बनाई गई ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेसिक जो है वो पता होनी चाहिए. जैसे कि संदीप सर खुद ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसमें होगा क्या? तो उसमें होगा कि FSSAI का रोल क्या है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी बॉडी क्या है,
देन उसके इनिशिएटिव्स क्या है, देश में उसकी कितनी लैबोरेटरीज है या फिर कहां पर उसके ऑफिस है। जैसे कि देखो FSSAI का हेडक्वार्टर इज बेस्ट इन दिल्ली, उसके 6 regional offices है, 6 regional offices शायद, कुटे दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कैलकटा, कोचिन एंड चेन्नई। देन देर आर 14 referral laboratories और ऑल ओवर द कंट्री, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टोटल 72 लैबोरेटरीज और भी कई ज्यादा एसोसिएटेड लैबोरेटरीज इस ऑर्गेनाइजेशन के अपने हैं। तो इस तरह की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, am I right संदीप सर? यस सर, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनफैक्ट 40 क्वेश्चंस यहां पे आ रहे हैं का बहुत स्कोरिंग, यहां पे चाहे यहां पर 40 हो या फिर यहां पे 25 हो, बहुत स्कोरिंग है और बहुत इजी सब्जेक्ट है। इनफैक्ट ये बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट राइट जी, इससे स्कोर्स बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। यस ओके, आगे देखते हैं सर। असिस्टेंट मैनेजर आईटी एंड आईटी असिस्टेंट, अगेन सर वही है, रीजनिंग 10 questions, जनरल अवेयरनेस 10 questions, इंग्लिश 5 questions, एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दैट इज 80 questions। आगे बढ़ते हैं, M1 M2 वाले संभल के रहना यहाँ पर। नेक्स्ट, ये सर कट ऑफ बेसिकली सर मैं कहना ये चाहूंगा कि जितने भी लोगों ने इंजीनियरिंग में M1 M2 जस्ट पार्ट ऑफ अ जॉब, तो जितने लोगों के इंजीनियरिंग के M1 M2 वगैरह एक ही अटेम्प्ट पे नहीं निकले हैं, उनको यहाँ पर ज्यादा आसानी हो सकती है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ज्यादा की है, दोबारा पढ़ना पड़ा है, कुछ लोगों को 3 बार भी पढ़ना पड़ा हो सकता है। तो ऑलरेडी यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। राइट, आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे कट ऑफ, ओके, कट ऑफ ऑफ द लास्ट एग्जाम 2019, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे ना, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी समवेयर अराउंड 50-60% अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर व्हेन द टोटल मार्क्स वाज 400, ओके, सो आई थिंक 480 वॉज द टोटल मार्क्स लास्ट ईयर। सो ऑन एन एवरेज 50-60% हर जगह दिख रहा है सर, ओके, एक्सेप्ट एससी एंड एसटी समवेयर जहां पे 150 से लेके 180 के रेंज में है, ओके। सो कट ऑफ आप लोग देख सकते हो गाइस, यू कैन सी अलग अलग पोस्ट के लिए। अगर मैं एक पोस्ट के बारे में बताऊं अबाउट असिस्टेंट, तो अनरिजर्व्ड 298 आउट ऑफ 480, ओबीसी 283, एससी 279 एंड एसटी 265, ओके। और जितने भी कट ऑफ हैं आप चेक कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियोस में देख सकते हो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे है। आगे बढ़ते हैं, ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। अब सर बात कर लेते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करेंगे सब लोग। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं, एक है आपका YouTube के फ्री सेशंस, इसको अटेंड करने के बाद जो कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगा, दैट इज द डिटेल्ड लाइव बैच और पेड लाइव बैच। पहले YouTube सेशंस के बारे में देख लेते हैं गाइस, ओके, व्हाट आर द टाइमिंग्स, कौन से चैनल पे अवेलेबल है, क्या करना है। सो YouTube फ्री सेशंस इज अवेलेबल ऑन Agriculture Adda 24/7, आप सर्च कर सकते हो एंड आपको ये चैनल मिल जाएगा। सो क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1 PM एंड 2 PM। 9 AM फूड साइंस, 10 AM मैथ्स, 11 AM FSSAI, 12 p.m. reasoning, 1 p.m. GS and 2 p.m. English। ये क्लासेस हैं सर जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल, ओके सर, तो नेक्स्ट सर बता देते हैं इनका जो कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट द पेड बैच के बारे में भी बता देते हैं सब लोगों को। ओके सो गाइस, यू हैव टू गो टू adda247.com स्टोर, adda247 के स्टोर पे जा सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा, सर
बेटर होगा कि आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. बिल्कुल सर. बघा, तुम्हाला फक्त ब्राउजर मध्ये एक तर सगळ्यात सोपा मार्ग आहे की तुम्ही अड्डा 247 चं ऍप डाउनलोड करून घ्या, किंवा तुमच्याकडे फॅसिलिटी असेल तर अड्डा 247.com ला व्हिजिट करा. तिकडे अड्डा 247 चं पोर्टल ओपन झालंय बघा. आता तिकडे तुम्ही स्क्रोल अप करू शकता किंवा डिरेक्टली सर्च बॉक्स मध्ये. सर अगर सर्च बॉक्स से हम कर सकते हैं इसके, सर्च बॉक्स से करेंगे लेकिन सर बहुत सारे चीज है ना. सो दिस इज बेटर. तो हाँ, जब हम स्क्रोल अप करेंगे तो अभी आपको दिखेगा कि FSSAI, जहां पर हाँ जो सर दिखा रहे हैं आपको FSSAI, वहां पर जाकर क्लिक कर दीजिए और हाँ स्क्रोल अप कर दीजिए उसको. तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग बैचेस इसके लिए ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसमें से देखिए जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट का, हाँ पर्सनल असिस्टेंट, देन सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, ऐसी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. कुछ बैचेस प्रोबेबली शुरू होगी. बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of November सर. 1st of November जी बिल्कुल. तर 1 नोव्हेंबर पासून ह्या सर्व बॅचेस ह्या सुरू होत आहेत अड्डा 247 वरती. तर इकडे जाऊन तुम्ही अशा पद्धतीने बॅचेस शोधून जी कुठली पोस्ट यू डिझायर त्या पोस्ट वर जाऊन तुम्ही क्लिक करा. सर फॉर एक्झाम्पल किसी भी असिस्टंट, असिस्टंट का दिखा देते हैं सर. बिल्कुल बिल्कुल. बघा असिस्टंट या पोस्ट वर गेले, सर्वप्रथम तुम्हाला वरती दिसतंय FSSAI 2021 असिस्टंट कंप्लीट लाईफ बॅच, हिंदी अँड इंग्लिश बायलिंग्वल हे तो इंग्लिश लिहिलेलं आहे. लाइव क्लासेस बाय अड्डा 247. खाली तुम्हाला प्रॉडक्ट डिस्क्रिप्शन वाचायला मिळेल या बॅच बद्दल आणि ही बॅच कशासाठी आहे हे सगळं तुम्हाला दिसणार आहे. सर स्क्रोल अप बॅच. सर एक सेकंड, स्क्रोल डाऊन कर. हा बस बस बघा, इथं दिलेलं आहे बॅच स्टार्ट ऑन 1st November 2021. टायमिंग दिलेलं आहे 8 AM to 7 आहे क्या? जी सर, 7 PM. 7 PM. त्यानंतर 500 सीट्स आता आहे अवेलेबल, लिमिटेड सीट्स आहे. व्हॅलिडिटी आहे 6 महिन्यांची, म्हणजे बॅच कम्प्लीट झाल्यानंतर तुम्ही 6 महिने ह्या बॅचचे रेकॉर्डेड व्हिडिओ सुद्धा बघू शकणार आहात. त्यानंतर स्क्रोल अप कर दीजिए सर. बघा इकडे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिली आहे, तेच पुन्हा की स्टार्ट डेट काय आहे, क्लासेस काय आहे. त्यानंतर कोर्स हायलाइट दिलाय. बघा चेक द स्टडी प्लॅन हियर, जी लिंक आहे त्यावर जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला दिसेल पूर्ण स्टडी प्लॅन डिटेल की कुठल्या दिवशी कुठल्या वेळेला कुठल्या सब्जेक्टचा कुठला टॉपिक कुठले टीचर शिकवणार आहेत, एवढा पूर्ण डिटेल्ड स्टडी प्लॅन हा या बॅच साठी जर तुम्हाला दिलेला आहे. इथे बघा स्क्रोल अप करून जिथं सुट्टी आहे तिथं येलो कलर मध्ये मार्क केलेला आहे आणि हॉलिडे दिसताय तुम्हाला, दिवाळीच्या सुट्ट्या वगैरे तिकडे सगळं मार्क केलेलं आहे. बाकी क्लासेस जे आहेत ते पूर्ण तुम्हाला दिसतायत. टाइम टेबल दिलेला आहे FSSAI संदीप सर इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव्ह एप्टिट्यूड, जनरल इंग्लिश, सॉरी जनरल इंटेलिजन्स, देन जनरल अवेअरनेस मध्ये 3 पार्ट केलेले आहेत, पॉलिटी हिस्ट्री, त्यानंतर सायन्स आहे, त्यानंतर आहे इकॉनॉमिक इकॉनॉमिक सेन्स, जिओग्राफी एक्सेट्रा, देन कम्प्युटर लिटरेसीचा सुद्धा एक क्लास आहे शेवटी. तर हे सगळे क्लासेस तुम्ही अशा पद्धतीने बघू शकता. तुम्हाला कुठल्या दिवशी कुठलं लेक्चर अटेंड करायचंय ह्याची पूर्ण डिटेल तुम्हाला दिली आहे. टोटल 240 to 240 hours ही बॅच आहे, त्यामध्ये हा पूर्ण सिलेबस तुमचा व्यवस्थितपणे अगदी तंतोतंत पद्धतीने कम्प्लीट केला जाणार आहे सर्व बॅच के पोर्टल पर. येस जी. हा आता हा कोर्स हायलाइट्स मध्ये दिलेला आहे 240 hours कोर्स आहे, ठीक आहे. त्यामध्ये लाईव्ह इंटरॅक्टिव्ह क्लासेस होणार आहेत तुमचे, नंतर रेकॉर्डेड व्हिडिओ सुद्धा अवेलेबल असणार आहेत. अनलिमिटेड डाऊट्स जे तुम्ही तुमचे सॉल्व्ह करून घेऊ शकता एक्सपर्ट्स कडनं. गेट प्रिपरेशन टिप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स अँड लर्न टाइम मॅनेजमेंट. टाइम मॅनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स गाईज. बघा टाइम मॅनेजमेंट खूप महत्वाचा पार्ट आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला शिकायचं आहे की एक्झामला गेल्यानंतर फक्त परीक्षेचा पेपर सॉल्व्ह करणं हे तुमचं मुख्य काम नसतं. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला तुमचा कॉन्फिडन्स हा थ्रू आउट मेंटेन कसा ठेवायचा हे तुम्हाला शिकवलं जाणार आहे. कमी वेळेत जास्त क्वेश्चन्स कसे सॉल्व्ह करायचे, हाऊ टू यूज शॉर्टकट ट्रिक्स अँड टिप्स, हाऊ टू सॉल्व्ह मॅक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स इन मिनिमल टाइम, या पद्धतीचं टाइम मॅनेजमेंट वगैरे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिकडे शिकवल्या जाणार आहे. एक्झाम्स कवर्ड मध्ये दिलेला आहे FSSAI 2021. त्यानंतर सब्जेक्ट्स कवर्ड, जेवढे सब्जेक्ट कवर होणार आहे त्याची लिस्ट दिली आहे. जनरल इंटेलिजन्स म्हणजे लॉजिकल रिझनिंग, जनरल अवेअरनेस,
क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लिटरेसी, प्रोफेशनल नॉलेज, FSSAI, टेक्निकल सब्जेक्ट्स वगैरह, या सर्व गोष्टी टेक्निकल सब्जेक्ट सुद्धा तुम्हाला इथं मिळणार आहेत. त्यानंतर कोर्स लँग्वेज असणार आहे हिंदी आणि इंग्लिश, बाय लँग्वेज बॅच असणार आहे ही. त्यानंतर तुम्हाला दिसेल अबाउट द फॅकल्टी, म्हणजे जे शिक्षक तुम्हाला शिकवणार आहेत त्या सर्व टीचर्स बद्दल तुम्हाला इथं इन्फॉर्मेशन वाचायला मिळणार आहे, की त्यांचा एक्सपिरियन्स काय आहे, किती विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत त्यांनी शिकवलेलं आहे, त्यापैकी किती विद्यार्थी हे सिलेक्ट झालेले आहेत, आणि प्रत्येक शिक्षकांचे जे यूट्यूब सेशन्स आहेत त्याच्या लिंक सुद्धा तुम्हाला तिथं दिलेल्या आहेत बघा, प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येक टीचरच्या. तर सर्व टीचर्सच्या डिटेल्स ह्या तुम्ही इथून वाचू शकता. बघा सर स्क्रोल अप करतायत तर सर्व डिटेल्स वगैरे तुम्हाला दिसत आहे. त्यानंतर व्हॅलिडिटी दिलेला आहे 6 months व्हॅलिडिटी. आता इकडं जेव्हा तुम्ही परचेस कराल त्या परचेस टाइम परचेस डेट पासून पुढे 6 महिन्यांची व्हॅलिडिटी तुम्हाला इकडे मिळणार आहे अशा पद्धतीने. इकडे एक दिलेला आहे शेवटी रिमार्क की नो रिफंड्स विल बी गिवन इन एनी केस अँड रजिस्ट्रेशन कॅन बी कॅन्सल्ड बाय अड्डा 247 फॉर एनी अँटी बॅच ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे. त्यानंतर दिलं आहे यू विल गेट रिकॉर्डेड व्हिडिओ लिंक्स विद इन 48 hours वर्किंग आवर्स. तर व्हिडिओ रेकॉर्डेड रेकॉर्डिंग जे आहेत ते तुम्हाला 48 तासामध्ये मिळून जाणार आहेत लेक्चर संपल्यानंतर लगेच असं. आता राईट साईडला कोर्स हायलाइट वगैरे ते पूर्ण थंबनेल दाखवलं आहे FSSAI बॅचचं, तिथं खाली ऑप्शन आहे बाय नाउच. आता तुम्हाला दिसत आहे त्या बॅचची फी आहे 13,999, परंतु ह्या बॅचला सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्ही सध्या अड्डा 247ची जी ऑफर आहे ती सुद्धा युज करू शकता. बघा तिकडे व्ह्यू ऑफर्स वरती जर गेलात तर तुम्हाला दिसेल की तिथं कुपॉन कोड जे आहे तुम्ही युज करू शकता. सर हा उनको हा बघा बाय नाव वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सर्व डिटेल्स तुमचे स्वतःचे भरायचे, तुमचे ईमेल आयडी वगैरे वगैरे सगळे. त्यानंतर तिथं जेव्हा तुम्ही कुपॉन कोड अप्लाय कराल, जसं की माझा कुपॉन कोड आहे Y308, किंवा संदीप सर आपका कुपन कोड क्या है Y291. Y291 219. तर हे दोन कुपन कोड यूज करून तुम्ही फ्लॅट कितने परसेंट काय सर 70 77, नाही नाही अभी 80% काय सर जी बिलकुल. तर या बॅचच्या सबस्क्रिप्शन वरती तुम्ही टोटल 80% डिस्काउंट मिळून, या बॅचची जी फी होती 13,999 त्यामधून फक्त 2,799.80 एवढंच या बॅचचं सबस्क्रिप्शन फी राहिलेलं आहे. तर एवढ्या पद्धतीने तुम्ही बॅचेसना सबस्क्राईब करू शकता. मित्रांनो तुमचे जे काही डाऊट्स असतील युट्यूबवरती कॉमेंट बॉक्समधून पाठवा, आम्ही तुमच्यासोबत चर्चा करणार आहोत, तुमचे डाऊट सर्व क्लिअर करणार आहोत. बघा सर्व बॅचेसची फी तुम्हाला इथं दिलेली आहे 13,999. नंतर दोन बॅचेस असे आहेत ज्यांची फी आहे 19,999. हा तर 80% डिस्काउंट नंतर या पहिल्या 3 बॅचेस ज्यांची फी आहे 13,999 त्याची फी फक्त 2,799 आणि ज्या बॅचेसची फी ही 19,999 आहे त्यांची फी फक्त 3,999 एवढीच तुम्हाला राहणार आहे. तर एवढ्या कमी पॅकेजमध्ये तुम्हाला खूप चांगल्या कोर्स मिळत आहे. तर लवकरात लवकर व्हिजिट करा adda247.com किंवा adda247 ऍप डाउनलोड करा आणि तिकडे संदीप सरांचा कुपॉन कोड Y219 किंवा Y291 सर सॉरी Y291 ओके सॉरी सॉरी तो Y291 Y291 सर एक बार लिख दीजिए आणि माझा कुपॉन कोड Y308 Y308 हे दोन कुपॉन कोड तुम्हाला दिसत आहेत तिकडे Y291 Y291 हे दोन कुपॉन कोड तुम्ही युज करून फ्लॅट 80% डिस्काउंट यावरती मिळवू शकणार आहात. मित्रांनो सर आप कुछ बताइए इन्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तब तक मैं एक बार यूट्यूब देख लेता हूँ. जैसे की देखिए शरद, हेलो शरद, वैभव, प्रवीण, श्रुतिका, शुभम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन एवरीवन. सर्वांचं स्वागत आहे. तुमचे काही डाउट्स असतील तर कॉमेंट बॉक्स मधून पाठवा. जसं की सर एक डाउट आया हुआ है, वैभव पूछ रहे कि किस चीज की प्लानिंग बता रहे हैं सर, तो प्लानिंग है FSSAI ची जी वैकन्सी निघालेली आहे, ज्याचं नोटिफिकेशन निघालं आहे, त्या नोटिफिकेशन बद्दल हा व्हिडिओ आम्ही बनवला आहे. हे
कोर्स हे सेशन तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे लाईव्ह सेशन. त्यामध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन संदीप सर आणि मी आम्ही दोघांनी तुम्हाला दिली आहे की किती वेकन्सीज आहेत, किती पोस्ट आहेत, त्याची सॅलरी किती आहे, एलिजिबिलिटी किती आहे, एज ग्रुप काय आहे, त्यानंतर तुम्हाला एक्सपिरियन्स कुठे पाहिजे, 3 वर्षांचा एक्सपिरियन्स लागणार आहे अशी एकच पोस्ट आहे ज्याचं नाव आहे फूड अनालिस्ट, ज्याच्या 4 वेकन्सीज आहेत. त्यानंतर सिलेक्शन प्रोसिजर काय आहे, या सर्व डिटेल्स तुम्हाला या लेक्चर मधून आम्ही डिटेल मध्ये सांगितले आहेत. संदीप सर प्लीज. सर यहाँ पर तो पता चल गया कि जिनका भी प्राइस 13,999 है वो 2799 है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट, एंड CFSO एंड TO का 3,999 है इंस्टेड ऑफ 19,999. एंड कूपन कोड आप यूज कर सकते हो Y308 या Y291 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज 80%. ओके, अभी 80% दिस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डेज, 22nd to 24th October. मतलब कल तक ये वैलिड है और आपको 2 दिन के अंदर आपको 80% मिलेगा. उसके बाद ये जो कोर्स का प्राइस है वो अगेन आपको 77% पे मिलने वाला है. ओके, सो आगे सर ये तो हो गया कोर्स के बारे में. अगर मैं यहाँ पे बताऊं टेस्ट सीरीज के बारे में, तो ये जो टेस्ट सीरीज है दीज आर सर ओनली 279 रुपीज. एंड जितने भी टेस्ट सीरीज है या फिर ई बुक्स है, all of this will be around 250 to 320 rupees. इसी के बीच में आएंगे सर everything, ebooks, test series, सब कुछ सर. Okay, just that you have to use the code Y308 or Y291 for maximum discount. Y291 for maximum discount. और ध्यान रखिएगा मैट डिस्काउंट कितना है 80%. ओके सर, ये भी है, दिस इज बिटवीन 250 to 300. बिल्कुल सब कुछ सर एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस, ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज. यानी ये पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, देन ई बुक्स भी अवेलेबल है. FSSAI इस एग्जाम के लिए स्पेशली इस एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड जो सारा स्टडी मटेरियल है वो सब तुम्हें मिल रहा है दोस्तों. राइट, सो ये था सर आज का सेशन हमारा, कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन प्लस एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. गाइस आपके पास यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, यू हैव पेड सेशंस हियर, ऑफर इज वैलिड ओनली फॉर ओनली टिल 24th of October, 80% ऑफ. ओके, जाइए और इसका फायदा उठाइए. ओके, और मिलेंगे हम लोग एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे 9 AM to 3 PM. ठीक है, मत भूलिएगा 9 AM to 3 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7. तो ये था सर सेशन आज का, बताइए आप. बिल्कुल संदीप सर, मैं हाँ जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, मैं एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ अड्डा 247 मराठी और अड्डा 247 मराठी पर जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितने भी स्टूडेंट्स है, उन सब के बिहाफ पर आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने पूरे नोटिफिकेशन पर इतना काम करके डिटेल PPT बनाई. आई नो कि PPT वगैरह बनाने के लिए इतना सारा डेटा निकाल के उसे सही से ऑर्गेनाइज करना जिससे कि बच्चों को समझने में, देखने में, पढ़ने में डिफिकल्टी ना हो, कितना ज्यादा समय और कितना ज्यादा वो हेक्टिक का काम हो सकता है. तो आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सब किया, आई एम वेरी थैंकफुल. और इसी नोट पर मैं और संदीप सर आपसे विदा लेना चाहेंगे. हम आपको मिलेंगे हमारे अगले सेशंस में. तब तक सब लोग अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से तो ये सेशन एंड हो चुका है, फिर भी संदीप सर अगर आप एंड करना चाहेंगे इसे तो. यस सर, दैट्स इट. सो द सेशन, दिस इज द सेशन गाइस, सब कुछ हमने आपको डिटेल में बताया. ओके, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. मिलेंगे अगेन किसी एक और सेशन में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ. बिल्कुल, मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद यू इन मोर सच वीडियोस. श्योर सर, श्योर, माय प्लेजर. बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद.